नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नेचुरल ब्यूटी सुप्रीम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी होम रेमेडी जो हमारी स्किन की ऑलमोस्ट प्रॉब्लम का सलूशन है। जैसे कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, उसका ग्लो ख़त्म हो जाता है, या फिर हमारी स्किन में पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन, स्किन टैन, एक्ने पिंपल्स हो जाते हैं, एक्ने पिंपल्स के जो निशान हो जाते हैं वो रह जाते हैं, जिसकी वजह से स्किन बहुत ही ज़्यादा डल लगने लगती है। इस रेमेडी में हमने जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो इन सभी प्रॉब्लम का बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। ये रेमेडी आपको देगी क्लियर, ब्राइट एंड ग्लोइंग स्किन। तो चलिए जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले लेंगे एक बाउल और उसमें डालेंगे हम एक बड़ा चम्मच बेसन का। इसमें हमने जो बेसन डाला है, बेसन हमारे स्किन से डेड स्किन सेल्स को हटाकर स्किन को क्लियर करेगा, जो डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं उनको लाइटन करेगा, स्किन टैन को रिमूव करेगा और स्किन को हमारे ग्लोइंग और फेयर बनाएगा। क्योंकि बेसन में स्किन को लाइटन करने की प्रॉपर्टीज होती हैं, तो हमारे फेस पर जो पिंपल्स के, एक्ने के निशान रह जाते हैं या डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं सन टैन की वजह से, जो डार्कनेस हो जाती है, उन सभी को ये लाइटन करता चला जाता है और कुछ ही दिनों में ये धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाती हैं। अब हम इसमें डालेंगे हनी। हनी जो है वो एक्ने की प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन होता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो एक्ने के प्रॉब्लम को आने से रोकती हैं और आगे फ्यूचर में भी एक्ने की प्रॉब्लम नहीं होती है। और साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे फेस पर एजिंग की प्रॉब्लम को नहीं होने देता है। जैसे हम अपनी एज से 5 साल 10 साल बड़े लगते हैं, तो जो हनी है अगर हम उसका रेगुलर यूज करते हैं तो वो हमारे फेस से एजिंग के निशान को कम करता है, रिंकल्स को आने नहीं देता है, स्किन को यंग और टाइट बनाता है, साथ ही साथ ये स्किन को फेयर भी बनाने का काम करता है। हनी हमारी स्किन को नरिश भी करेगा और साथ ही साथ ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा, जिससे हमारी स्किन खिली खिली रहेगी। और इसमें डालेंगे अब हम आधा नींबू। लगभग हम इसकी 6 से 7 बूंदे नींबू की लेंगे और इसका एक अच्छा पेस्ट बना लेंगे। लेमन यानी कि नींबू, नींबू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होते हैं, ये हमारी स्किन को ब्राइटन और लाइटन करने का काम करता है। नींबू की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर हमारे फेस पर डार्क स्पॉट्स हो गए हैं, एक्ने के निशान हैं, तो उनको ये दिन पर दिन लाइटन करता चला जाता है और धीरे धीरे ये हमारे फेस से इन निशानों को हटा देता है और सन टैन को भी दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है। ये हमारा फेस पैक बनकर रेडी हो गया है। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा और इसको इस तरीके से हम बना लेंगे। ये हमारे फेस के लिए काफ़ी है, तो मैंने उतना ही लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है, ज़्यादा हमारा वेस्ट हो जाएगा क्योंकि हम इसे स्टोर नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसको अप्लाई कैसे करना है, आप इसे अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए। अगर आप कहीं बाहर से आए हैं तो फेस को फेस वॉश से या क्लिनजर से अच्छे से वॉश कीजिएगा, नहीं तो उस पर डस्ट रहेगी। इस पैक को अप्लाई करने से पहले फेस को बिल्कुल अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लीजिएगा, गीला नहीं रहना चाहिए, और उसके बाद इसको अप्लाई कर लीजिए। 15 मिनट के लिए इसको अप्लाई करके छोड़ दीजिए और 15 मिनट के बाद नॉर्मल वाटर से फेस को वॉश कर लीजिए। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके फेस पर बहुत अच्छा ग्लो आ गया है, स्किन टोन आपकी फेयर होने लगी है और अनइवन जो स्किन टोन थी वो भी धीरे धीरे ठीक हो रही है, सनटैन जा रही है और आपकी स्किन फेयर और ब्राइट होने लगी है। अगर आपको मेरी ये रेमेडी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।